समाज में बड़ी तेजी से बीमारियां फैल रही हैं, जिनका सबसे बड़ा कारण वायु प्रदूषण और खाने में बढ़ते रसायन का प्रयोग इसका मुख्य कारण है। इस विषय को गंभीरता से लेते हुए आगरा की मेयर हेमलता दिवाकर का कहना है कि आगरा में जल प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए बड़े कार्य किए जाएंगे, साथ ही उन लोगों पर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी जो कूड़े के ढेर में आग लगा देते हैं, जिससे काफी वायु प्रदूषण फैलता है। देखा जा रहा है कि भारत में लगातार जो बीमारियां बढ़ रही हैं उसका सबसे बड़ा कारण है पोल्यूशन और बढ़ता हुआ जो पोल्यूशन हम देख रहे हैं, और साथ ही साथ उसके लिए जो सरकारें, जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो बेहतरीन प्रयास कर रही है, लगातार नए नए मेडिकल कॉलेज खोल रही है, तो उसकी देखते हुए कि आगरा में उसके लिए क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं, स्वच्छता के लिए क्या अभियान उठाया जा रहा है, उसी विषय पर बात करेंगे। पहले मैम सीनियर से बात के लिए धन्यवाद आपका। जी थैंक यू सो मच। स्वच्छता के लिए जब से आप मेयर बनी हैं तो तब से आप काफ़ी प्रयास कर रहे हैं कि आगरा को नीट एंड क्लीन बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो क्या नए नए कदम आप उठा रही हैं उसके लिए? यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर, यशस्वी मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर हम सभी आगरा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनता जनार्दन सब मिलकर, उन्होंने हम सब ने प्रण जो लिया है कि हम आगरा की गंदगी को साफ करके रहेंगे। अभी आपने देखा होगा कि आगरा को दूसरा स्थान पूरे भारत में मिला है और प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश में मिला है पोल्यूशन के मामले में, और धीरे धीरे ये पोल्यूशन भी हम लोग ख़त्म करते जाएंगे, और धीरे धीरे हम लोग छोटे छोटे चौपाल लगा के जनता को भी जागरूक कर रहे हैं कि वो अपने बस्तियों की सफाई के लिए खुद भी थोड़े जागरूक बने। सही बात है, पर लगातार क्योंकि जो कैंसर का, जो मुंह के जो कैंसर का सबसे बड़ा कारण ही यही है कि तंबाकू स्मोकिंग करना है, इस तरह के जो लोग खाते हैं, पर साथ में देख रहा है कि जो एयर जो पोल्यूशन है उस पर मैम कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लगातार क्योंकि जगह जगह काम चल रहा है, लोग बिना जो मानक उसको पूरा किए काम किए हैं, बाजार में धूल उड़ रही है, धुआं उड़ रहा है, उसके लिए क्या प्रयास किए? उसके लिए भी अभी नगर निगम पूरी तरीके से एक्टिव है, और जहाँ पर भी हमको कोई कंप्लेंट मिलती है या जहाँ पर जो भी लाल गिट्टी का काम होता है या धूल मिट्टी का काम होता है, अभी आप लोग देख रहे होंगे कि साइड पटरियों का काम हो रहा है, तो वहाँ पर लगातार हमारी मशीनें पानी का छिड़काव भी करती हैं जिससे एयर पोल्यूशन ना हो। सिंगल यूज़ प्लास्टिक के लिए, क्योंकि आजकल देख रहे हैं कैंसर एक सबसे बड़ा कारण बन गया, तो कहीं ना कहीं प्लास्टिक का उसमें बहुत बड़ा रोल है। देखिए मैंने अभी नगर निगम के द्वारा एक अभियान चलाया था जिसमें दुकानों से भी हमने प्लास्टिक ली, और वन टाइम यूज़ जो प्लास्टिक है उसके लिए भी हम कोशिश ये कर रहे हैं कि वो भी जनता हमारी उसको यूज़ ना करे, ताकि जब वो जनता यूज़ नहीं करेगी तो यहाँ बिक्री नहीं होगी, बिक्री नहीं होगी तो दुकानदार अपने आप ही नहीं लाएंगे। तो अभी सबसे पहले तो मेरे नगर निगम को मैंने बोल रखा है कि मेरे नगर निगम में वन टाइम यूज़ जो प्लास्टिक है वो भी वहाँ पर यूज़ नहीं होगी, और अभी जहाँ पर भी मैं जाती हूँ, जिस वार्ड में जाती हूँ, अभी नवदुर्गों के पंडाल लगे हुए हैं, तो वहाँ भी हम लोग बोलते हैं कि जब आप भंडारे करें तो वन टाइम यूज़ वाले जो बर्तन जो हम यूज़ करते हैं उनको ना इस्तेमाल करें। आखिरी सवाल, हम अक्सर देख रहे हैं एयर पोल्यूशन इतना है आगरा के अंदर, उसके बाद भी जो कूड़े में जो कुछ लोग आग लगा देते हैं, तो उसके लिए उन लोगों के लिए क्या मैसेज आप कहिए? अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अभी बस्तियों में ज़्यादातर यही होता है कि कूड़े में आग लगा दी जाती है, और जिससे बहुत सारी ऐसे दमा के जो पेशेंट हैं उनको तो दिक्कत होती ही है। तो अभी हम लोगों ने भी कहा है चौपालों के द्वारा, और हमारे जो जोन के जो अधिकारी हैं वो लोग भी जो हमारे सफाई मित्र हैं उनको बोलते हैं कि अगर कोई इस तरह की हरकतें करता है तो उसको वार्निंग ज़रूर दें। हेमलता दिवाकर जो आगरा की मेयर, उन्होंने बिल्कुल साफ कहना है कि लगातार जो इस तरह की जो हरकत करते हैं, जो लोग कचरे के ढेर में जो आग लगा देते हैं तो उससे धुआं फैलता है, उससे कई तरह की बीमारियां होती हैं, इसमें अस्थमा और जो एलर्जी वाले लोग परेशान रहते हैं, उससे कई बीमारियाँ, साथ में सिंगल यूज़ प्लास्टिक के लिए भी उन्होंने कहा है कि इसको भी जस्ट आगरा के अंदर बैन किया जाएगा, ताकि जो है आगरा स्वच्छ बन सके, इससे लोगों को कम बीमार पड़ सके। मैं इंजीत के साथ लक्ष्मी राशन, सी न्यूज़ आगरा।